गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास आज हम चैप्टर थर्टीन टाइम एंड मोशन आगे स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक है मोशन वेन यू लुक अराउंड इन योर क्लास रूम यू सी दैट मेनी थिंग्स लाइक डेस्क बोर्ड एंड टेबल्स डू नॉट मूव दे आर सेट टू बी एट रेस्ट हाउ एवर यू सी सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्कूल ग्राउंड सम मूविंग इन द कॉरिडोर एक्सेट्रा दे आर यू सेट टू बी इन मोशन जब मोशन का क्या मतलब है सबसे पहले आप ये समझिए कि मोशन का क्या मतलब है जब कोई चीज अपनी जगह से दूसरी जगह पर हिलती डुलती या चलती फिरती मूव करती दिखाई देती है तो वो कहलाता है मोशन और जब कोई चीज अपनी जगह पर स्टिल होती है तो वो कहलाती है रेस्ट पोजीशन में इन साइंस एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट वेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो वो कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करता लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट जब कोई मोशन में होता है तो वो अपनी सराउंडिंग्स के आसपास अपनी पोजीशन को चेंज करता है इन क्लास 6 यू हैव लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन लाइक रेक्टीलिनियर मोशन सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन आप लोगों ने ये सारे मोशन पढ़े थे रेक्टिलीनियर मोशन कोई भी जब सीध में कोई चीज चलती है एक लाइन में चलती है वो कहलाता है रेक्टीलिनियर मोशन जैसे कि कोई एक साइकिल चला रहा है एक स्ट्रेट रोड पर तो वो है आपका रेक्टिलीनियर मोशन सर्कुलर मोशन का मतलब है जैसे कोई चीज सर्कुलर मोशन में है जैसे कोई साइकिल का व्हील हो या कार का व्हील हो व्हील क्या होता है हमेशा सर्कुलर मोशन में होता है रोटेशनल मोशन रोटेशन का मतलब है एक जगह पर रोटेट करते रहना घूमते रहना जैसे कि आपका ये फैन ये आपका रोटेशन मोशन में रहता है नेक्स्ट आपका पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक मोशन में जैसे आप वॉल क्लॉक देखते हैं कि वो पीरियोडिक मोशन में पूरे एक चक्कर को वो लगाने में एक घंटा लगाती है तो वो आप कहलाता है पीरियोडिक मोशन और सेकेंड की सुई एक मिनट में पूरा चक्कर लगाती है जो छोटी पतली सुई होती है वो एक मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है तो इसको कहते हैं पीरियडिक मोशन जिनका टाइम फिक्स होता है आइडेंटिफाई द डीज टाइप्स ऑफ मोशन मेड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक स्पेसेस यहां पर मोशन है देखिए ये कार का मोशन है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन दिस टाइप इज कॉल्ड जो एक जगह पर घूमता जा रहा है वो है सर्कुलर मोशन फैन है एक जगह पर फिक्स है और घूम रहा है तो वो आपका कहलाता है रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन और ये जो पेंडुलम है इसका टाइम फिक्स है यहां से यहां तक ए से बी और बी से सी तक जाने में उसका टाइम फिक्स है तो वो आपका कहलाएगा पीरियोडिक मोशन ठीक है इसी तरीके से स्पीड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन इट इन टाइम स्पीड क्या चीज है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस टाइम को हम बोलते हैं उसकी उस टाइम से जब हम उसको आ, नापते हैं तो वो कहलाती है स्पीड वेन यू नो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड जो है वो टाइम और डिस्टेंस से जुड़ी हुई है स्पीड हम कैसे निकालते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम अगर कोई देखिए यहां पर अगर एक कार है 240 फोर्टी किलोमीटर फोर आवर्स में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी तो यहाँ फॉर्मूला क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो यहां हमें क्या दिया हुआ है डिस्टेंस 240 और टाइम है फोर तो स्पीड कितनी हुई 240 फोर्टी किलोमीटर अगर वो चार घंटे में चलती है तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है एक घंटे में वो 60 किलोमीटर चलेगी तो इस तरीके से आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं वेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूसली वी स्पेसिफाई इट्स एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दट डिस्टेंस गिवन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जब कभी कभी स्पीड जो होती है वो चेंज होती रहती है स्पीड कैसे चेंज होती है जैसे आप किसी रोड पर जा रहे हैं वहां पर अगर आपको ट्रैफिक मिल गया तो आपकी स्पीड घट जाएगी है ना टाइम आपने पूरा टाइम भी बढ़ जाएगा स्पीड घट जाएगी लेकिन आपका जो डिस्टेंस होगा जहां तक आपने जाना है वो तो आप जाओगे ही तो ऐसे एवरेज स्पीड जब निकालनी होती है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से एवरेज स्पीड निकल आती है यूनिट ऑफ स्पीड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड टोटल टाइम इज सेकेंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड देखिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो जब स्पीड क्या है डिस्टेंस क्या है मीटर में टाइम है सेकेंड में तो इसलिए स्पीड का फॉर्मूला जो उसको हम यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक कार ट्रेन एंड एरोप्लेन इज यूजली एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आर जो तेज चलने वाले हैं कार है ट्रेन है एरोप्लेन है उनको हम जो स्पीड एक्सप्रेस uh, करते हैं वो किलोमीटर पर आर से करते हैं क्योंकि वो कितने किलोमीटर गई कितने आवर्स में और जब हम कोई छोटी चीज होती है कोई आपकी साइकिल वगैरह है तो वो आप उसको मीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर वेन यू लुक एट द डैशबोर्ड ऑफ अ कार यू फाइंड मेनी इंस्ट्रूमेंट ऑन इट स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ व्हीकल डैशबोर्ड दैट इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इन किलोमीटर पर आर ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन द किलोमीटर आपने देखा होगा जब आप कभी कार में बैठते हैं तो दो मीटर लगे हुए होते हैं वहां पर स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर स्पीडोमीटर क्या है कि कितना स्पीड uh, से जो है आप गाड़ी लेके जा रहे हैं 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं या 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं या 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं जब हम हाईवे पर जाते हैं तो हम 120 किलोमीटर की स्पीड से भी हमने uh, गाड़ियां जाते हुए देखी है ऐसे ही ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कितने किलोमीटर का वो आपका उसमें शो होता है तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर स्पीड uh, को और डिस्टेंस को शो करने के लिए व्हीकल्स में लगे होते हैं ऐसे ही यहां पर कुछ न्यूमेरिक यहां पर क्वेश्चन है विश टाइम मेजरिंग डिवाइस वॉज नॉट यूज इन एशियन टाइम्स सन भी यूज होता था एंशियन टाइम में सैंड क्लॉक भी वाटर क्लॉक भी तो क्वार्ड्स वॉच जो है वो आपकी एंशियंट टाइम में यूज नहीं होती थी एन इंस्ट्रूमेंट दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इज कॉल्ड जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको किससे शो होता है वो आपका स्पीडोमीटर से न्यूमेरिकल्स है यहां पर द स्पीड ऑफ अ मूविंग कार इज सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर कैलकुलेट द स्पीड आपके पास यहां क्या दे रखा है सेवेंटी टू किलोमीटर एक घंटे में तो इसके मतलब हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो है वन आवर और स्पीड है हमारे पास डिस्टेंस है हमारे पास कितना स्पीड ऑफ द कार है सेवेंटी टू और हमारे पास टाइम है वन आर और हमें यहां स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके और आर्स को हम सेकेंड में चेंज करेंगे आर्स को सेकेंड में चेंज करने के लिए पहले सिक्सटी से मल्टीप्लाई करा वन को तो बन गया मिनट और उसको सिक्सटी से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया सेकेंड सेवेंटी टू अपॉन वन को हमने uh, 72 टू किलोमीटर अपॉन वन आर को हमने बना लिया मीटर पर सेकेंड और यहां आपका स्पीड का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस अपॉन टाइम यह आपका आंसर आ गया इसी तरीके से स्कूल बस टेक फोर्टी फाइव मिनट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेवन किलोमीटर कैलकुलेट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल है ट्वेंटी सेवन किलोमीटर टाइम है फोर्टी फाइव मिनट्स अब 45 फाइव मिनट्स को आप क्या करोगे 45 फाइव मिनट्स का मतलब कि अगर हम यहाँ किलोमीटर हमें दे रखा है और यहाँ मिनट दे रखा है तो इसका मतलब किलोमीटर पर आर होना चाहिए तो हम पहले टाइम को मिनट्स को आर्स में चेंज करेंगे तो वन आर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट होता है तो फोर्टी फाइव अपॉइन सिक्सटी का मतलब थ्री अपॉन फोर आर्स स्पीड आपकी ट्वेंटी सेवन किलोमीटर टाइम आपका थ्री अपॉन फोर आर्स यह आपकी इसमें स्पीड कैलकुलेट होके आ जाएगी और जब आप किलोमीटर पर आर में निकालेंगे तो आप क्या करेंगे किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और आर्स को सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि हमें आंसर किस में निकालना है उसके बाद सेकंड टाइप में मीटर पर सेकंड में सो स्पीड इन मीटर पर सेकंड निकालने के लिए आपने क्या किया थर्टी सिक्स किलोमीटर को मीटर में चेंज करा थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके वन आर को आपने थ्री थर्ट थर्टी सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर लिया सेकंड में तो आपका आ गया ये टेन मीटर पर सेकेंड इसी तरीके से आपके और आगे के एग्जाम्पल से आप इनको पढ़िएगा समझिएगा नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ सेट टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट अगर कोई भी एक कार uh, चलिए मैं आपको यह वाला नेक्स्ट वीडियो में बताती हूं यह वीडियो बड़ी हो जाएगी